क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस का एप्लीकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बहुत अच्छा, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, 2020 में 5 मार्क्स आया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस इनको हम समझ नहीं पाते तो इसलिए हमें दिक्कत देते हैं। वीडियो पे पूरे बने रहना, आपको आराम से समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। क्या कह रहा है? और ट्रेन्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ, तो डिस्टेंस लिख लेते हैं पहले। डिस्टेंस इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 480 किलोमीटर, ठीक है। और यूनिफॉर्म स्पीड यानी यूजुअल स्पीड, यूनिफॉर्म यानी यूजुअल स्पीड कितनी है? ध्यान से देखो, ये कितनी है हमारी, कितनी दूरी है पता नहीं, तो मान लिया हमने एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम नहीं पता तो टाइम को मैंने क्या मान लिया? टाइम को मान लिया मैंने टी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब हमें एक फार्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी है? एक्स, और डिस्टेंस कितनी है? 480, और टाइम कितना है? टी, ठीक है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं टी इक्वल टू 480 अपॉन एक्स, ये हो गई इक्वेशन वन। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है? सेकंड केस में कह रहा है इट हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अब मतलब सेकंड केस में क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड स्पीड, रिड्यूस्ड स्पीड। तो रिड्यूस्ड स्पीड कितनी हो जाएगी मेरी? एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। और क्या कह रहा है? डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस के बारे में बात नहीं हुई है, तो हम डिस्टेंस को सेम मानेंगे। डिस्टेंस कितना है हमारे पास? ये ना, और कितना है डिस्टेंस? 480 किलोमीटर। कितना है? 480 किलोमीटर, ठीक है। और अब टाइम कितना लगेगा? टाइम देखना, टाइम इक्वल टू, ध्यान से देखना भाई, स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें नॉर्मल से भी पता है कि भाई आप गाड़ी की स्पीड कम करोगे तो जहां आपको जाना है वहां पे आपको टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। सिंपल सा है ना लॉजिक, वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि स्पीड ज्यादा है, स्पीड कम कर रहे हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम पहले कितना था? पहले टी था, तो अब कितना लगेगा? यहाँ पे टी था तो अब कितना लगेगा? टी प्लस 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मैं यहां से फिर वही फार्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड कितनी है मेरे पास? x माइनस 8, और डिस्टेंस कितना है? 480, और टाइम कितना है? t प्लस 3। क्लियर है यहां तक? तो यहां से मैं लिख सकता हूं t प्लस 3 इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8, ये हो गई इक्वेशन 2। यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लीजिए, मैंने पूरी कोशिश की समझाने की। अब देखना ध्यान से, बस हो गया, इतना आपको समझ में आएगा ना, हो गया, ठीक है। अब देखो यार, अब ये लिख रहा हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन 1 to इक्वेशन 2, मतलब टी की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में रख रहा हूं। क्यों रख रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैं ऐसे करूंगा, ध्यान से समझना, अगर मैं ऐसे करूंगा तो यहां पे एक वेरिएबल बचेगा सिर्फ x, इसलिए कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? देखो, 480 अपॉन x प्लस ये 3 ऑलरेडी है, तो 3 इक्वल टू वहां से कितना आएगा? 480 अपॉन x माइनस 8। यहां तक क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है यहां तक। तो ये मैंने दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे को उधर ले जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? 3 इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x। क्लियर है यहां तक अच्छे से? अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, बस याद देखना, इसको सोल्व करने की ही कला है। तो ये कितना आ जाएगा? 480 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा? 1 अपॉन x माइनस 8, और इधर क्या बचेगा? माइनस 1 अपॉन x। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, अब यहां से कितना आ जाएगा? 3 अपॉन 480 डिवाइड में भेज दिया, और इधर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लो तो क्या आएगा यहां पे? x एक ब्रैकेट में माइनस, देखो माइनस जो ब्रैकेट जरूर लगाना वरना आप पक्का गलती करोगे, x माइनस 8, और इधर से कितना आ रहा है अपॉन में? x और x माइनस 8, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये इससे कट जाएगा, तो कितना आएगा? 1 अपॉन 160, ठीक है। और इधर से कितना आएगा? ये x माइनस x और प्लस 8, और इधर से कितना आएगा? ये x स्क्वायर माइनस 8x। तो देखो इस x से ये x कर दिया, तो
तो अल्टीमेट क्या बचा, ध्यान से देखो ये अल्टीमेट क्या आ रहा है, ध्यान से देखो अल्टीमेट आ गया मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स इज इक्वल टू 160 इंटू 8। तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स इज इक्वल टू 1280। तो यहां से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस 1280 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना है, मतलब 1280 के ऐसे फैक्टर चाहिए मुझे जो प्लस माइनस करके 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। तो कैसे निकालेंगे, यहां देखो तो 1280 लिख लो, 1280 इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा ये 12 6 बारे में 640, फिर 2 से डिवाइड करो तो 320, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करो तो 160, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा 160 180, फिर ये 2 से जाएगा तो कितना आएगा ये 80 40, फिर ये 2 से गया तो 20, फिर ये 2 से गया तो 10, तो ये 5 से और फिर ये 2 से। अब इसमें से पेयर उठा रहे हैं, कैसे पेयर उठा रहे हैं, 8 आ जाए तो 2 2 2 4 2 8 2 16 32, यहां तक 32 हुआ ना, तो 2 2 4 2 8 32 4 80 मिल तो गए एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 32x वो प्लस 32x क्योंकि हमें माइनस में चाहिए माइनस 1280 इक्वल टू 0। आया समझ में, कैसे फैक्टर उठाएगा, ऐसे निकालने का ये तरीका है, आप एग्जाम में भूल जाओ तो ऐसे निकालना, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से क्या आ रहा है, x कॉमन आ गया तो x कॉमन आ गया तो कितना आ जाएगा x माइनस 40 माइनस यहां से कितना आ रहा है 32, तो प्लस का 32 बाहर निकाल लो तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब प्लग कर दो तो x प्लस 32 और इधर से कितना आ रहा है x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा x प्लस 32 इक्वल टू 0 और इधर से क्या आएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहां से x कितना आ गया x इक्वल टू माइनस 32 और x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। हम जानते हैं स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमारा यही आंसर है और हमसे यही पूछा गया है। आया देखो बोर्ड कितने बढ़िया बढ़िया कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछता है, आपको लग रहा होगा कि यार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, 5-5 नंबर के हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बोर्ड जरूर पूछता है, तो बोर्ड कुछ भी पूछ सकता है बेटा। एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए डिजाइन हुआ है ताकि टॉपर को अलग कर जा सकते, ये टॉपर के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मल बच्चा तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन देखे छोड़ देगा, टॉपर होगा जिसके फंडामेंटल क्लियर होंगे वो ऐसे कर लेगा, ठीक है। तो आराम से देखना वीडियो को पूरा देखना, अगर ना समझ में आए तो ऐसा हो नहीं सकता समझ में ना आए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबाना कि जैसे मैं कोई नई नई वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए, और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती सुझाव जरूर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।